नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों, वो आपका झारखंड जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल में जो भी नए लोग होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किन्हीं को इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है, छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में पहली बार कब किया गया? तो कब किया गया दोस्तों छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में? तो इसका आंसर अगर आप लोग जानते होंगे दोस्तों, तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको पता चले आप कितना जानते हैं और नहीं जानते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। पहला है 1938, दूसरा 1939, तीसरा आपका 1940 हो जाएगा और चौथा है 1941। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, 1938 हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये दोस्तों कहाँ की गई है, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सरायकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ गुरु शशधर आचार्य का अपने असाधारण योगदान के लिए किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा 2020 ईस्वी में, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक झारखंड का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पायका हो जाएगा, ऑप्शन गा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन खा हो जाएगा, श्यामा चकेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाक झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला है दोस्तों, यह ढोल के समान राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है, यह सही है। दूसरा है, इसका आकार ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है, यह भी सही है। तीसरा है, इसे कंधे से लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है, उपरोक्त में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन घा हो जाएगा, पहला दूसरा एवं तीसरा जो है, तीनों क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का वह कौन सा लोक नृत्य है जो ओजपूर्ण है तथा जिसके तहत नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं? तो इसका आंसर खा हो जाएगा दोस्तों, पाइका नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए चयन करने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, एक तरफ दोस्तों लोक नाट्य है और विशेषता है इसका, तो इसका मिलान करना है। तो सामा चकेवा, सामा चकेवा जो है दोस्तों, वो भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन है। उसके बाद आपका हो गया भकुली बंका, भकुली बंका जो है दोस्तों, वो आपका वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन है। और कीर्तनिया जो है दोस्तों, तो कीर्तनिया आपका कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन है, तो ये इसमें हो जाएगा। कूट के अनुसार अगर आंसर देंगे दोस्तों, का हो जाएगा इसका आंसर, का का तीसरा, खा का पहला और गा का दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा गीतों का संग्रह मुंडा दुरंग में किसने संग्रहित किया? तो किसने किया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा WG आर्चर, ऑप्शन का हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा गीत वर्षा ऋतु पावस काल में गाया जाता है? तो कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कजली गीत, ऑप्शन घा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य को नचनी खेलड़ी नृत्य कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका कली नृत्य, ऑप्शन गा हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जादव पटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादव पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जादव कहा जाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, जादव पटिया, ऑप्शन ये हो जाएगा जादव पटिया। सॉरी दोस्तों, इसका जादव पटिया आंसर नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा सोहराय होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी शैली है दोस्तों? तो ये आपका, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सोहराय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं पक्षियों और पेड़ पौधों का उकेरा जाता है? किसमें है तो इसका आंसर दोस्तों सोहराय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोहबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, कोहबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहबर चित्रकला शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो यह है, यह चित्रकारी विवाह के मौसम में की जाती है, यह सही है। दूसरा, इसमें देवी का विशेष चित्रण मिलता है, ये भी सही है। इसमें घर आंगन में ज्यामितीय आकृतियों में पेड़ पौधों पत्तों आदि का चित्रण किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका संथाल जनजाति, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में संथाल जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन खा हो जाएगा, 31.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, गा हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन गा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संथाली भाषा को कब शामिल किया गया था? तो ये दोस्तों, तो कब शामिल किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 में, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसका आंसर खा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, संथाल जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संथाल जनजाति को सौतार के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन का हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का संस्थापक माना जाता है दोस्तों? तो ये आपका, इसका आंसर हो जाएगा लुगु बुरु हो जाएगा, ऑप्शन खा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित विवाह दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा किरिंग बापला, क्या हो जाएगा? किरिंग बापला, ऑप्शन गा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में घोटुल किसे कहा जाता है? घोटुल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उवा गिरह को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है संथाल जनजाति में, ऑप्शन खा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में नायके कहा जाता है? नायके किसे कहा जाता है दोस्तों? तो धार्मिक प्रधान को, ऑप्शन खा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा, आलमगीर आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन है दोस्तों? तो ये आपका भूषण बाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन घा हो जाएगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन ग इसका आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में दुमका विधानसभा क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत सोरेन, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष दोस्तों वो रविंद्रनाथ महतो हैं, ऑप्शन घ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक कौन है दोस्तों? तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक जो है दोस्तों वो अम्बा प्रसाद है, ऑप्शन घ हो जाएगा इसका आंसर। ये जो है दोस्तों बड़का गांव के विधायक हैं, ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सरयू राय किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा? तो ये जो है दोस्तों सरयू राय आपका 2019 में जो चुनाव लड़ा था झारखंड विधानसभा में, तो वो निर्दलीय से लड़े थे, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे अधिक उम्र के विधायक कौन है? तो सबसे अधिक उम्र के विधायक जो है दोस्तों वो आपका कौन है? रामेश्वर उरांव है, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 38 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा सही आंसर इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जो भी इसमें नए होंगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में चल रहा है जो जो अभी दोस्तों सेशन चल रहा है JSSC CGL का प्रैक्टिस सेट दोस्तों चल रहा है, और आपका JTET का 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। खोरठा का भी प्रैक्टिस सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा था जो कंप्लीट कर दिया गया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। CGL का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, CGL का खोरठा का दोस्तों, और पेपर 3 का CGL का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो दोस्तों चैनल में जो भी लोग हैं वो बने रहें, और नए लोग भी जुड़ें, और PDF चाहिए तो आपका टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है दोस्तों लिंक, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड की दूसरी खाद्य फसल क्या है? तो झारखंड की दूसरी खाद्य फसल जो है दोस्तों वो आपका मक्का है, ऑप्शन ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की मुख्य खाद्य फसल क्या है दोस्तों? तो ये आपका धान हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका आंसर, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस ज़िले में होता है दोस्तों? तो मक्का का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो आपका पलामू में है, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झारखंड में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कुरुआ कहा जाता है, ऑप्शन घ हो जाएगा इसका आंसर, कुरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना का उत्पादन किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो गन्ना का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा आपका हजारीबाग जिला में होता है, ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा राज्य के किस ज़िले में होता है दोस्तों? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों वो आपका कौन सा ज़िला में है? तो ये पलामू ज़िला में है, ऑप्शन क हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से 76 प्रगतिशील किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बेहतर तकनीक सीखने के लिए कहाँ भेजा गया था दोस्तों? तो आपको जो भेजा गया था आपका इसराइल भेजा गया था, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक PDS डीलर कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका राज्य में जो सर्वाधिक PDS डीलर है दोस्तों वो कौन सा ज़िला में है? तो वो आपका रांची में है, ऑप्शन घ हो जाएगा इसका आंसर, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका दामोदर घाटी के क्षेत्र में, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में कृषि का स्वरूप क्या है? तो झारखंड में कृषि का जो स्वरूप है दोस्तों वो जीवनदायी है,
ऑप्शन घा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन जो है दोस्तों वो कुआं है, ऑप्शन का हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है दोस्तों वो आपको 2021-22 में प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन खा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित मत्स्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया दोस्तों, तो 2021 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन खा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत गरीब व्यक्तियों को कितने रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री दाल भात जो योजना है वो आपका 5 रुपये में प्रति प्लेट के दर से ये उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों, ऑप्शन खा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत जो है वो 15 नवंबर 2011 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन खा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 2011-12 एवं 2018-19 के मध्य झारखंड राज्य की औसत वार्षिक विकास दर क्या थी दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन खा हो जाएगा 6.2%, ऑप्शन खा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों, तो 51,365 रुपये और 55,126 रुपये, ऑप्शन खा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड की प्रति आय स्थिर मूल्यों एवं वर्तमान मूल्यों में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा हो जाएगा 6.7% एवं 9.4%, ऑप्शन खा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सकल राज्य मूल्य वर्धित GSV ए स्थिर कीमत एवं मौजूदा कीमतों पर कितना प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों? तो ये आपका 6.8% एवं 10.5%, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये दोस्तों आपका 7.6% एवं 14.6%, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 के दौरान झारखंड एवं देश की सकल GDP में कितनी गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों? तो ये आपका इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन का हो जाएगा 5.5% एवं 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड की वास्तविक में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि ब्याज की गई है दोस्तों? तो ये आपका 8.2% हो जाएगा, ऑप्शन घा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की वास्तविक GSDP चालू वित्त वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है दोस्तों 7.8% एवं 7.4%, ऑप्शन घा हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, चैनल में बने रहेंगे, इसी तरह का टॉपिक हम लेकर आते रहेंगे दोस्तों।